कोलकाता का मशहूर पार्क सर्कस मैदान, शहर के मुस्लिम इलाकों का ये सबसे बड़ा मैदान है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। कुछ तो वक्त बिताने के लिए आते हैं तो कुछ अपनी सेहत बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अब ये मैदान कम, स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर ज्यादा बन गया है। दिन भर यहाँ स्कूटी की ट्रेनिंग चलती है। कुकुर मुत्ते की तरह कई स्कूटी ट्रेनिंग स्कूल वजूद में आ गए हैं, जो यहाँ औरतों को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग देते हैं। कहने को तो ये स्कूटी ट्रेनिंग स्कूल हैं, लेकिन इनके पास स्कूटी ट्रेनिंग देने का ना तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई परमिशन है और ना ही लोकल थाने से कोई इजाजत ली गई है। कोलकाता कॉरपोरेशन भी आंखें बंद किए बैठा है। बगैर किसी लाइसेंस और परमिट के यहाँ गैर कानूनी तौर पर स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है। चूंकि पार्क सर्कस मैदान मुस्लिम इलाके में है और यहाँ ज्यादातर आसपास की मुस्लिम इलाकों के लोग ही यहाँ आते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन भी इन गैर कानूनी स्कूटी ट्रेनिंग स्कूल की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मरने वाले मरे या बचे, उन्हें इससे क्या। हद तो यह है कि इनके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनर भी नहीं है। स्कूटी ट्रेनिंग के नाम पर यहाँ लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूटी ट्रेनिंग के दौरान कभी भी कोई हादसा हो सकता है, उससे बचाव करने या हादसा होने की सूरत में हादसे के शिकार लोगों की मदद के लिए उनके पास कोई सेफ्टी गियर भी नहीं है। स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग देने वालों ने नाम तो बड़े बड़े रख लिए हैं, लेकिन ट्रेनिंग स्कूल के दफ्तर तक नहीं है। ये लोग पार्क सर्कस मैदान में स्कूटी चलाना सिखाते हैं और पार्क सर्कस मैदान का खुला आसमान ही इनका दफ्तर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ स्कूटी सीखने के लिए ज्यादातर मुस्लिम घरानों की औरतें पहुंचती हैं, लेकिन बड़े ही शर्म की बात है कि यहाँ मर्द इन बुर्का पोश मुस्लिम ख्वातीन को स्कूटी सिखाते हुए दिखाई देते हैं। पूछने पर दावा किया जाता है कि हमारे यहाँ मर्द लड़कियों को स्कूटी चलाना नहीं सिखाते हैं, जबकि हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लड़कियों को ट्रेनिंग देने से इनकार करने वाला शख्स खुद ही लड़की को स्कूटी चलाना सिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क भी दिया जा रहा है कि कुछ लड़कियों की हाइट कम होती है, इसलिए मर्द उन्हें स्कूटी चलाना सिखाते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर मुस्लिम मुआशरा किस तरह से इस बात को कबूल कर रहा है कि कोई अनजान मर्द किसी बुर्का पोश मुस्लिम औरत को स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। मुस्लिम मुआशरे पर बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले उलमा आखिर इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। इन स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर्स की वजह से पार्क सर्कस मैदान के आधे हिस्से में बच्चों का खेलना कूदना पूरी तरह बंद हो चुका है। मॉर्निंग वॉक करने वाले उम्रदराज लोग भी डर से उस तरफ नहीं जाते हैं जहां स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग चलती है। गंभीर बात यह है कि पार्क सर्कस मैदान में स्कूटी ट्रेनिंग दिन के एक आध घंटे नहीं चलती है, बल्कि सुबह सवेरे यह सिलसिला शुरू होता है और शाम तक जारी रहता है। आसपास रहने वाले लोग भी स्कूटी सेंटर चलाने वालों से परेशान हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार तो ये स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर वाले आपस में ही उलझ जाते हैं और पास में मौजूद मस्जिद के पास ही लड़ने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर पार्क सर्कस मैदान में इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लाइसेंस के बगैर किस तरह से इतने सारे स्कूटी ट्रेनिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं। कोलकाता कॉरपोरेशन और बनियापुकुर थाना क्यों खामोश बैठा हुआ है। काउंसिलर क्यों चुप है। क्या ये लोग किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। स्कूटी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कोलकाता कॉरपोरेशन, बेनियापुकुर थाना या लोकल काउंसिलर। जवाब का इंतजार रहेगा। ऑल इंडिया से आगे पढ़ाने सिखाया जा रहा, तो वो रह जाएगा क्या होगा, इस तरीज कौन लेगा। तो मेरा ये बोलने का मतलब है तो इस सब बंद हो जाना अच्छा है। आपका घर कहाँ है यहाँ? है जो पास सर्कस में। आप बोले आउट एरिया से आया हुआ है इसलिए तकलीफ है, या फिर आपका प्रॉब्लम किसी और एक जगह क्या कौन तकलीफ लेगा, इसी आप बोलने का मतलब है। तो इस खेलना बंद हो गया, बच्चा लोग का खेलना बंद हो गया, ये सब हो गया, इसी वजह से मैं चाहता हूँ ये सब बंद हो जाए तो अच्छा। खुला सलाह हमाम चाह रहा भैया, हर इमाम चाह रहे हैं बच्चा लोग का कुछ है, ये सब पैसा धंधा हो गया, पैसा
जैसा मोदी कर रहे हैं अभी ऐसा लेडीज लोग सीख गए। मैडम का कहना यही है कि इसको जो है मिसयूज किया जा रहा है। हाँ इसको, हाँ मिसयूज, हाँ के मलता पुलिस आया, दो मलता इस सब, तीन मलता चेकिंग नहीं सब की, पुलिस भी लाना बंद कर दी। कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे लोग का तकलीफ का लिए बोल रहा है कि किसी कोई ऐसा हादसा हुआ है, बच्चे को चोट लगा है, गाड़ी से कुछ हुआ है? हर भाई से सोच सकता है हो जाए तो, वो तो रास्ते में भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है। इधर मैदान है, ये तो मैदान है, सुनिए ये तो मैदान है, ठीक है, मैदान में हर आदमी आता है खेलने के लिए, बच्चा लोग छोटा बड़ा हर आदमी खेलने के लिए आता है। अचानक भाई साहब तुम एक आदमी सीखने आया है, ठीक है, ठोक देगा तो एक तो बच्चा को क्या होगा, बोलिए भाई साहब ठोक देगा एक तो बच्चे को। तो ये थे यहाँ के आवाम जो 24 घंटे में 12 घंटे तो एटलीस्ट जो है इस मैदान का जो है रखवाली भी कह सकते हैं और बैठे रहते हैं। इन लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पे तकलीफ हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इस मैदान में 12 महीना में एटलीस्ट 6 मेला लग जाता है, कभी दुर्गा पूजा का तो कभी ईद का तो कभी अभी जो है एक मेला लग रहा है। आप देख सकते हैं जगह कितनी छोटी है और इस छोटी सी जगह में एक ही रास्ते में लोग आवत जावत कर रहे हैं और साथ ही साथ उसी रास्ते में लड़कियाँ जो है यहाँ पर स्कूटी सीख रही हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कोई परिवार के ऊपर गाड़ी अगर गिर जाता है, सिखाने वाले भी बोल सकते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड ट्रेनर्स है, नॉन रजिस्टर्ड ट्रेनिंग स्कूल है, तो क्या है सेफ्टी बच्चियों की, जिस कॉलेज स्टूडेंट का आप भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर भगवान ना करे, अगर अल्लाह ना करे इस स्कूटी के वजह से उसको चोट लग जाए, उसके वो परमानेंट नहीं तो पार्शली डिसेबल हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी कहाँ है? ये प्रशासन से मेरा सवाल है। हमारे पास 4 लेडीज ट्रेनर है और जिसने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया है, मेरे पास ये सबूत है कि उनके हस्बैंड का खुद हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं जो पकड़ करके लेडीज़ को सिखा रहे हैं, और मेरा कोई भी एक ऐसा वीडियो आप दिखा दीजिए कि हम किसी को पीछे बैठ करके या सिखा रहे हैं। हमारे पास जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लेडीज ट्रेनर है, अगर आप बोलिएगा तो हम सबका नाम विद स्कूटी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप कौन सा आरटीओ का लाइसेंस है? आप लोग जो है सर्टिफाइड है कि आप लोग जो है दूसरों को सिखा रहे हैं, आप लड़ना मोटर स्कूल चला रहे हैं एक तरीके से? देखिए हमारे पास ट्रेड लाइसेंस है और इंशाल्लाह हम लोग के पास आरटीओ से, आपको आरटीओ के पास पहला बात नहीं आरटीओ से पहला बात ऐसा कोई रूल्स अभी तक लागू हुआ ही नहीं है, मतलब मोटर ट्रेनिंग स्कूल का कोई रूल्स नहीं है। टू व्हीलर्स का मुझे तो मुझे किसी भी तरह का मोटर जाती है जो उसमें पेट्रोल और डीजल लगता है उसके लिए आपको बाकायदा आरटीओ से परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन के बिहाफ में आपको पूरा MOA साइन करना पड़ता है। टू व्हीलर का एक्ट है, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू व्हीलर का तो ऐसा कुछ अभी तक हम लोग सुने नहीं है, टू व्हीलर का भी ऐसा कुछ आप लोग की तरफ से अगर नॉलेज है तो बताइए।